फ्रेंड्स अभी हम भटक रहे हैं दिल्ली में, और वो किस लिए? तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं एक सस्ते में होटल ढूंढ रहा हूँ, और सस्ते में कौन सा जो है वो से पूरी सेफ से आपको होटल दे, तो इसी पे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। और जगह जगह मैं कई होटल में गया है, लेकिन मैं वीडियो जो दूंगा आपको वो बहुत ही बेस्ट होटल का दूंगा जो आपको सस्ते में थोड़ा अच्छा सुविधा दे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं और समझते हैं उसके पूरे प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स आज मैं दिल्ली आया हूँ और पहाड़गंज आया हूँ। यहाँ पे मैं होटल के पर्पज़ से आया हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं कि सर मुझे सस्ते में होटल बताएं, सस्ते में होटल बताएं। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी मार्केट जो है वो विजिट किया है, और लगभग जो आपको एक अनुमान और अंदाज़ा निकाला है मैं, तो मैंने क्या निकाला है आप ये देखिए। ये जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आप एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये बैकग्राउंड में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पीछे चला जाता हूँ, पीछे आप देख रहे हैं सड़क के उस पार जो है वो सारे होटल है, और ये एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जब आएंगे तब है, 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं। और यहाँ पे आप किसी भी रिक्शे वाले से पूछेंगे कि भैया मुझे किसी सस्ते होटल में ले चलो, तो वो आपको ऑटोमेटिक ले जाएंगे। यहाँ पे जो होटल है वो 700 रुपये के आसपास है, 600, 700, 800 नॉर्मल सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ, ऊपर जितने भी आप बढ़ जाएँ आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स जो भी रिक्शा वाला आपको वहाँ पर ले जाएगा उन सबका कमीशन होता है, किसी का 50 रुपया है, किसी का 100 रुपया। खैर अगर वो ले भी रहे हैं तो आपको एक बेस्ट होटल दे रहे हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको नॉलेज में होना चाहिए, या फिर आप ऐसे खुद ही विजिट कर सकते हैं। सामने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि 500 में मिल जाए, 400 में होटल है, तो अंदर मत लीजिएगा ज़्यादा, आपको फ्रंट में लीजिएगा। अंदर थोड़ा सा आपको डर या भय टाइप का आपको लगेगा, तो मेरा तो मानना है कि अंदर मत लीजिए, 100 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, आपको 800 रुपये में मिल जाएंगे थोड़ा सा इसके मतलब इसके पीछे, लेकिन ज़्यादा अंदर मत जाइएगा। फ्रेंड्स देखिए मैं रोड पे खड़ा हूँ, और यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं ये पहाड़गंज का एरिया है। यहाँ पे आपको होटल जो है वो तकरीबन 700 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये इस टाइप में सिंगल जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, एसी नॉन एसी दोनों। और यहाँ आप देख सकते हैं इधर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए आप जब भी यहाँ निकलते हैं ना तो यहाँ आस पास आपको रिक्शे वाले जो हैं वो आपको किसी होटल पर छोड़ देंगे, या आप ऐसे ही अंदर घूमें तो आपको जो होटल है बहुत सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको करोल बाग जो है वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा, और एक दो किलोमीटर की दूरी पे सदर बाज़ार, तो ये आप दोनों जो है वो यहाँ से आपको नज़दीक पड़ सकता है। फिलहाल मैं मेन रोड पे हूँ, और यहाँ देख रहे हैं गाड़ियाँ चल रही है, तो ये थोड़ा सा सेफ़ है, आप मेन रोड पे जितना लेंगे उतना बढ़िया है, 25-50 कॉस्ट पड़ जाए, बट थोड़ा सेफ़ जगह लीजिएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है आपके रिक्शा पर तो उसे होटल पर छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। कितना मैक्सिमम जो है कितने रेट में मिल जाता है? 6 से लेकर 1000, 1200, 1500, तो 600-700 रुपये से मिल जाते हैं। अगर आप स्टेशन से बाहर आते हैं किसी भी रिक्शे वाले को आप बोलेंगे भैया मुझे आप छोड़ दो किसी होटल पे, तो बढ़िया से बढ़िया होटल आपको छोड़ देंगे। अगर आप नहीं भी रिक्शे के पास जाते हैं तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस तरफ, ये सब अंदर जो है होटल मौजूद होता है। जितना बाहर लेंगे उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा, जितना अंदर लेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। सबसे बेस्ट माध्यम है मेक माई ट्रिप से आप बुक कीजिए, बहुत ही बढ़िया, आपको 500, 600, 700 उतना में आपको जो है वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। फ्रेंड्स मुझे घूमते घूमते जो है वो शाम हो चुकी है, और मैंने जितने भी होटल के बारे में सर्च किया तो मुझे मतलब सब ना चोर उचक्के टाइप के लगे, इसलिए मैं किसी का नंबर नहीं दे रहा हूँ। आप मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ आते हैं तो आप खुद विजिट कर लें, और थोड़ा सा जो आपको ठीक लगे ना वहीं आप जाएं, क्योंकि जो कुछ तो है जो वीडियो मतलब शूट नहीं करवाना चाह रहे थे, और जो अच्छे थे और जो बुरे थे वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उनका जो है नंबर प्रोवाइड नहीं करवा आप लोगों को। और आप लोग सोच रहे हैं मैं क्या खा रहा हूँ, टॉफी है ब्रदर। तो फिलहाल ठीक है, मेरा वीडियो आज का इतना ही रहा, आप आते हैं तो बाहर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद।